नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। व्यूअर्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एस्ट्रोलॉजी में लेकर आप सबके लिए आया हूँ। हर जिज्ञासु के मन में यह जिज्ञासा रहता है कि प्लैनेट्स आखिर क्या रिप्रेजेंट्स करती है। आइए आज जानिए हमारे बहुत प्राचीन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हिंदू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है प्लैनेट्स के बारे में। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्लैनेट हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है। मैं वही वर्णन करूंगा जो बहुत प्राचीन टेक्स्ट में, हिंदू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में लिखा गया था। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे सन प्लैनेट। हिंदू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कहती है सन रिप्रेजेंट्स सोल, फादर, पर्सनल मैग्नेटिज्म, सेल्फ रिलायंस, साइक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पावर, सात्विक गुण, गॉडलीनेस, नोबिलिटी, फायर, विंडी, डेस्पोटिज्म, पावर पोजीशन फेम, टेंपल्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गोल्डस्मिथ, मनी लेंडर्स, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, हवन, कोरोनेशन चैम्बर्स, करेज, बोन्स, डॉक्टरिंग कैपेसिटी। मित्रों, बहुत प्राचीन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हिंदू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कहती है सूर्य इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि आपके कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव रहेगी, और यदि वीक है तो आप थोड़ा नेगेटिविटी इन एरियाज में फील करेंगे। उस समय आपको सूर्य मंत्र का जाप, सन का जो जेमस्टोन होता है रूबी, या तो नगीना में या उसका माला पहन लेना चाहिए, और सूर्य को नमस्कार करके रोज जल अर्पण करना चाहिए। और लोगों को येलो वस्तुएं दान करना चाहिए। मित्रों, दूसरा प्लैनेट है मून। मून क्या रिप्रेजेंट करती है हिंदू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी मून के बारे में क्या कहती है? ये कहती है मून मींस माइंड, मदर, क्लोथ्स, वाटर, वुमेन, कल्टीवेशन, सीमेन, ट्रेवलिंग एजेंट्स, नेविगेटर, पर्ल, मिल्क, जेम्स, वेजिटेशन, पोलाइटनेस, मैनर्स, जूसी आर्टिकल्स, स्प्रिट मीडियम, वाइट अम्ब्रेलास, फिशरमैन, सॉल्ट, वाटरी प्लेसेस, बाथरूम्स, स्प्रिंग्स, मेंटल हैप्पीनेस, ब्लड, सात्विक गुण, स्टुबॉर्ननेस, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, साइको फिजियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, मोरल एंड रिलीजियस एक्ट, विजन, वाटर जर्नी, फेमिनाइन टेंडेंसीज, ह्यूमन फैंसीज, रोमांस, लव, पॉपुलैरिटी एंड ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ हमने देखा मित्रों,
हिंदू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कहती है, चंद्रमा इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रमा यदि आपके कुंडली में स्ट्रांग है तो ये तमाम चीज़ आपके जीवन में बहुत प्रॉस्पेरिटी और फेवर लाएगी। जब भी आप इन चीज़ों को देखें तो समझ लेना ये सब चीज़ें चंद्रमा से इन्फ्लुएंस्ड हैं, कंट्रोल्ड हैं। यदि मून वीक है तो इनसे संबंधित चीज़ों में आपको थोड़ा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। मून स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोती की माला, मून स्टोन आपको पहनना चाहिए। चंद्रमा को रात के समय दूध अर्पित करना चाहिए। वाइट कलर का कपड़े अधिकतर पहनना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मित्रों, तीसरा प्लैनेट है मार्स, यानी कि मंगल। हिंदू प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कहती है मार्स रिप्रेजेंट्स ब्रदर्स, सिस्टर, बाइल, एंड्योरेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, तामसिक गुण, मेंटल पावर, पॉइजनस गैस, फायर, फायरमैन, वॉरियर्स, स्कार्स, वूंड्स, अर्थक्वेक, मिलिट्री ऑपरेशंस, वेपन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, एक्स्ट्रावेगेंस, ट्रेजर, कैटास्ट्रॉफी, लिटिगेशन, ब्लड, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, फोर्टिफिकेशंस, कैनन, सल्फर, करेज, जील, एंथुजियाज्म, प्रोनेस, मैनलीनेस, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, गोल्ड, कॉपर, सर्जन, सपायर, कोरल, बीस्ट, बर्निंग गैस, डेंटिस्ट, फायरप्लेस, ब्रोकर, बर्न क्लोथ्स, इंजीनियर्स, बुचर्स, इंजिन्स, आयरन स्टील, केमिकल लेबॉरटरीज। जब भी आप इन चीज़ों को देखें मित्रों, तो समझ लेना ये सब एरिया जो मैंने वर्णन किया है टेक्स्ट के अनुसार मंगल द्वारा कंट्रोल्ड है। मंगल पावरफुल होने पर इन चीज़ों पर आपका प्रभाव, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। मंगल कमज़ोर होने पर लोगों के साथ रिलेशन ख़राब होते हैं, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, प्यार मोहब्बत लोगों में नहीं रहता, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। मंगल के लिए आपको मूंगा पहन लेना चाहिए और लाल कपड़ों का अधिकतर इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, नेक्स्ट प्लैनेट है मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। हिंदू प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कहती है मरकरी रिप्रेजेंट्स मर्केंटाइल एक्टिविटी, ट्रेड एंड ट्रेडिंग एसोसिएशन, विजडम, इंटेलिजेंस, कनिंग, डेक्सटेरिटी, जर्नलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, अकाउंटेंट्स, मैथमेटिशियन, ओरेटर्स, पब्लिक स्पीकर्स, श्रूडनेस, एम्बेसडर्स, बुक सेलर्स, पब्लिशर्स, ब्रोकर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड एन्जॉयमेंट्स, पेट्रीफाइड एंड रॉटन थिंग्स, कॉमर्स, एरियल एंड लैंड जर्नीस, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रीज, पोइट्स, आर्किटेक्चर, वेजिटेशन, ब्यूटी, एलिगेंस, इन्फीरियर और बेस मेटल, विट, ह्यूमर, ग्रीन कलर, नॉर्थ डायरेक्शन, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, रिफाइंड टेस्ट, राजस गुना, बीटल लीव्स, नट्स एंड लाइमस्टोन। यदि आपके कुंडली में, हॉरोस्कोप में मरकरी प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, इन सब चीज़ों का आपको फेवर मिलेगा। जो भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में वर्णन किया गया है, इन चीज़ों का यदि आप इन्वॉल्व रहते हैं तो आपको फेवर मिलेगा। यदि मरकरी कमज़ोर है तो इनसे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में आएगा, और नेगेटिव इम्पैक्ट मरकरी आने से कई बार आपकी माइंड फेल हो जाती है, पैसा आना नहीं आता, घर में गरीबी रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती है और हेल्थ भी ख़राब रहता है। मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इमिडिएटली पन्ना पहन लेना चाहिए, ग्रीन कलर के कपड़े अधिकतर पहनना चाहिए ताकि मरकरी स्ट्रॉन्ग रहे, और ग्रीन कलर की चीज़ें दान भी करना चाहिए, इससे मरकरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मित्रों, आज हमने जाना एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हिंदू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, सन, मून, मार्स और मरकरी प्लैनेट
क्या रिप्रेजेंट करती है, इसके बारे में क्या कहती है, इसके बारे में जाना। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, देखते रहिएगा। आने वाले समय में बाकी प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। धन्यवाद, बाय।